जी, इतने कम उम्र में आपने समाज सेवा की दिशा में इतना कुछ किया, खास तौर पर महिला सबलीकरण और विकास के दिशा में। आप तो हमारे राज्य के एक प्रकार की सेलिब्रिटी बन गई हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो मैं हमेशा से करने की कोशिश करती हूँ। पहले मैं आपको पूछना चाहूंगी, खास तौर पर महिला सबलीकरण की दिशा पर ये प्रेरणा आपको किसने दिया? पहले तो नमन करूंगी भगवान को, रंजय चाचा को और मेरी सभी शुभ चिंतकों को। क्या इसमें आपके जीवन के खुद के वास्तविक अनुभव का कोई भी स्थान नहीं है? है, वही तो मेरा है। समझी, आपकी निजी जिंदगी का अनुभव शायद इसमें एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। अभी मैं ही क्यों, दर्शक भी आग्रह करेंगे आपके बारे में कुछ अहम बातें जानने के लिए। तब तो मुझे आप लोगों को फ्लैशबैक में ले जाना पड़ेगा। मेरा जन्म रंगपुर शहर में एक बहुत ही रईस परिवार में हुआ। रंगपुर शहर में उस समय हमारा घर अपनी सुंदरता के कारण सबकी चर्चा के विषय था। रंगपुर था कला कृष्टि का महामिलन भूमि। मेरे पिताजी विभिन्न प्रकार के व्यवसायों से जुड़े हुए थे और उन्हें उनके हर कार्यों में कामयाबी मिलती थी, क्योंकि वो हर कार्य बड़ी लगन से और ईमानदारी के साथ करते थे। जब मैं 3 साल की थी तब अचानक ब्रेन स्ट्रोक के कारण मेरे पिताजी की निधन हो गई। मेरी माँ ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कुछ ही समय में पिताजी के काम काज की बागडोर संभाल ली और सफलता रफ्तार के साथ उनके कदम चूमने लगे। मैं धीरे धीरे बड़ी हो गई। माँ ने कभी मुझे पिताजी की कमी महसूस होने नहीं दी। माँ हमेशा मुझे अपने साथ चाय बगान ले जाती और बड़ी बारीकियों से जीवन के वास्तविक स्वरूप को बड़ी प्यार से समझाती। माँ के साथ गाड़ी में बैठ घूमना मुझे बहुत अच्छी लगती। माँ हमेशा कहती कि इस समाज में अगर तुम्हें जीना है तो अपना महत्व अपनी कीमत समझो। समाज में पुरुष महिलाओं के बीच जो अंतर बना हुआ है वो वास्तविक में तथाकथित लोगों का मायाजाल है। ऐसा कोई कार्य नहीं जो पुरुष कर सकता है और महिला नहीं। जब भी माँ इस प्रकार की बातें कहती थी तो मुझे एहसास होता कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ और वही मुझे हर पल कुछ नया करने की उमंग देती। पिताजी नहीं थे पर माँ जीवन जीना नहीं भूली। कार्य में व्यस्त होने के बावजूद उनका कला के प्रति रुझान कभी कम नहीं हुआ। वो मुझे हमेशा नृत्य सिखाती और जब भी मैं नाचते हुए रुक जाती थी तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए वो खुद नाचने लगती। और उनके पैरों में वो जादू था कि मेरे पैरों को नाचने पर मजबूर कर देती थी। जिंदगी यूं ही हंसते हुए गुजर रही थी। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश थी कि अचानक एक दिन जब मेरे साथ माँ नाच रही थी। चार दिन तक मैंने अपनी माँ को अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत से लड़ते हुए देखा और अंत में वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। माँ मुझे धन संपदा बहुत कुछ दे गई थी पर मुझसे वो सब कुछ छीन कर ले गई जिसकी मुझे जरूरत थी, उनकी प्यार
मेरे छोटे से दिमाग में यही बात घूमती रहती कि जब एक दिन हमें सब कुछ छोड़कर जाना ही है तो ये सब क्यों, क्या जरूरत है धन संपत्ति की? इस जीवन मरण के चक्रव्यूह में आखिर क्यों उलझा कर रखा है हमें? ममता, क्या बात है? तुम अकेली यहाँ क्यों बैठी हो? मैं सुबह से तुम्हें सभी जगह ढूंढ रही हूँ। तुम्हारा विक्रम चाचा बहुत परेशान है, चलो घर चलो। रेखा आंटी, आप मुझे एक बात बताइए, हम क्यों इस दुनिया में जन्म लेते हैं और फिर क्यों इस दुनिया से चले जाते हैं? ओफो, तुम्हें फिलोसोफर बनना है क्या? अरे इस बात का तो सही जवाब ऋषि मुनियों के पास भी नहीं है। और सुनो, तुम्हारे साथ ये बेफिजूल बातें करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। वहाँ अनुज मेरे साथ स्विमिंग पूल जाने के लिए घर में तैयार बैठे हैं। तुम्हारे वजह से ही देरी हो रहा है, चलो घर चलो। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम, हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कॉन्टैक्ट हमारा हाथ से गया, तुम तो गारंटी का साथ बोल रहा था कि कॉन्टैक्ट हमें ही मिलेगा। सुनो, उसके लिए तुम जो 5 लाख रुपया मुझसे लेकर उस अफसर को दिया था, वो मुझे आज शाम तक वापस चाहिए, वरना मैं जाता हूं कैसे पैसा निकालना है। उसने अगर 5 लाख देने में तानावानी की तो मैं तुमसे 5 लाख के जगह पर 10 लाख वसूल करूंगा, समझा? तुम अगर नहीं दे पाए तब मैं तुम्हारा पूरे खानदान के खून बेचकर एक एक पैसा वसूल करूंगा। क्या बोला, तुम कोशिश करोगे? सुनो, ये कोशिश शब्द मैं हजम नहीं कर सकता। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं किस तरह का आदमी हूं। बंदोबस्त करो या मरो, क्यों कैसे, ये सब बातें मुझसे हजम नहीं होता, समझ के फोन रखो। विक्रम चाचा, एक बात पूछूं? पूछो। मैंने ना रेखा आंटी से पूछा था, पर उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। क्या बात है? मैं जब 3 साल की थी तब पिताजी गुजर गए थे, और अब माँ, ऐसा क्यों? एक ना एक दिन हम सब मरेंगे, ये प्रकृति का नियम है, जो जन्म लेता है उसे मरना ही पड़ता है। वही तो मेरा सवाल है, आखिर ऐसा क्यों? देखो ममता, ये सब सवाल मन से दिमाग से हटा दो, अपने कमरे में जाओ, चुपचाप टीवी देखो। अंकल आप बताते क्यों नहीं? देखो ममता, ऐसे भी आज मेरा दिमाग सही नहीं है, ऊपर से तुम मेरा दिमाग मत चाटो। Come on, get up, go to your room before I get wild. ना जाने क्यों
उस समय मेरा मन दुख से भर गया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय हमारी पड़ोसी जो हमारे इलाके में नए थे वो हमारे घर आ पहुंचे। ममता, क्यों रो रही हो बेटा? रंजय चाचा, नहीं कुछ नहीं हुआ। कुछ तो है बेटा, देखो तुम मुझे खोल कर बता सकती हो। रंजय चाचा, ना जाने एक प्रश्न हमेशा मेरे दिमाग में उलझ रहता है। समझ गया, सब समझ गया। असल में ममता, मैं तुम्हें मिलने नहीं आया था, तुम्हारे विक्रम चाचा को मिलने आया था। उसी ने मुझे बताया कि तुम जन्म मृत्यु के रहस्य के बारे में उसे प्रश्न पूछ रहा था। यह प्रश्न पूछना क्या अजीब है? बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। देखो, तुम्हारे विक्रम चाचा के लिए ये प्रश्न अजीब हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। देखो, सदियों से ऋषि मुनि अविवि, ये जो वैज्ञानिक है, वे लोग भी इस प्रश्न का सही जवाब खोजते बहुत समय बिता रहे हैं। वे लोग रिसर्च कर रहे हैं ये जानने के लिए कि जन्म क्यों है, मृत्यु क्यों है, जीवन क्या है। ये दरअसल मैं जहां तक समझता हूं एक वृत्त है, एक सर्कलिक ऑर्डर है। जन्म होता है जीव का, मृत्यु होता है जीव का, ये जीवन चक्र चलता रहता है। पर कोई ये नहीं कह सकता है कि ये जीवन चक्र क्यों चलता है। देखो, हमें बस इतना जानना है, हम ये जो पार्थिव शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा यहां हम बसते हैं, एक चुतिस्मान यहां। देखो ममता, ये पार्थिव शरीर का मृत्यु होता है। ये हम लोगों का जो पार्थिव शरीर है वो पंचभूत में विलीन हो जाता है, पर ये आत्मा, ये यदि बिंदु कभी विलीन नहीं होता। ना आत्मा को कोई जला पाएगा, ना आत्मा को कोई भिगा पाएगा। आत्मा परमात्मा के साथ विलीन हो जाएगा। देखो, तुम्हारी मम्मी पापा भी इस दुनिया से गुजर गए हैं, अपने पार्थिव शरीर पंचभूत में विलीन हो गया है। पर वो कहाँ है? वही तो मैं बोलने जा रहा था। वे लोग अभी कहाँ है? वे लोग है परम पिता के पास है, तुम्हारी माता पिता की आत्मा भी परम पिता के साथ अतिंद्र सुख अतिंद्र आराम से रह रहा है। इसीलिए तुम्हें कभी भी रोना नहीं चाहिए। तुम रोगे तो वे लोग दुखी हो जाएंगे, ठीक है? दिल में हमेशा ये बात रखो कि वे लोग परम पिता के पास खुश है, और हम सब एक न एक दिन उसी परम धाम में चले जाएंगे। इसलिए जिंदगी में हमें अच्छा काम करना चाहिए, नेक काम करना चाहिए, ठीक है ममता? हाँ ठीक है। Thank you.
बीमारी से परेशान हैं, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से, हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। हाँ मैं समझ गया, यहाँ गर्मी ज्यादा है ना। आराम से बात करेंगे, आराम से करेंगे। बेटा देखो, पढ़ो, खुश रहो, ठीक है? चलो रंजेदा, कई दिनों से सोच रहा था मैं आपका घर आऊंगा, पर भाभी के मौत के बाद मैं इतना व्यस्त हो गया, समय ही नहीं निकल पा रहा था। अच्छा हुआ आज जो आप खुद हमारे घर पहुंचे। तो बात ऐसा है, एक बिजनेस है जो हम लोग मिलकर कर सकते हैं। हम दोनों मिलकर कर सकते हैं ना? हाँ रंजनदा, हम लोग मिलकर कर सकते हैं। मुझे एक बात आप समझाइए, मुझे ही आपने क्यों चुना? क्योंकि मैं आपका बैकग्राउंड जानता हूँ, गोलियों के बोछार में खड़े रहने वाले इंसान हैं आप। मुझे दरअसल एक आप जैसे हिम्मत वाला आदमी चाहिए। देखो भैया, अगर मुझे कारगिल जैसा युद्ध में जाने का मौका मिलता तो मैं खुशी खुशी चला जाता, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए अगर मुझे कुछ करना पड़ा तो मैं 10 बार सोचूंगा। रंजेदा, दुनिया वाले तो स्वार्थ के लिए जीते हैं। माँ अपनी बेटा बेटी को प्यार करती है स्वार्थ के कारण, क्योंकि माँ को बेटा बेटी को प्यार करने में बेहद खुशी मिलती है। ये पूरी दुनिया स्वार्थ के लिए ही तो चल रही है, स्वार्थ ही तो अपने परिपूरक है। वाह 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 वाह, आपको तो साहित्यिक बनना चाहिए था। अच्छा अब मेरे को बता, काम क्या है? नागालैंड में एक कैला का खदान है, वहां पर कुछ उग्रवादियों ने अपना पूरा दबाव बना के रखा है। मैं समझ गया, वो मॉन एरिया में एक अपना कब्जा बिठा के रखा है। हाँ हाँ, कैला का जो खदान है उसमें वे लोग कब्जा करके रखा है ना। वहाँ से वो लोग खुद निकालते हैं, ना किसी को निकालने देते हैं। तो रंजे भैया, मुझे जितना कुछ मालूम है, अब उसी एक्सट्रीमिस्ट के साथ बहुत दिन पहले उठना बैठना करते थे। आप उन एक्सट्रीमिस्ट से बात कर लीजिए, और मेरे सारे लोगों को अगर आप सुरक्षा के प्रबंध करेंगे तब आप हमारा बिजनेस पार्टनर बन जाएगा ना। देखो भैया, मैं पैसा वाला तो हूँ नहीं, छोटा मोटा कारोबार करता हूँ, बस गुजारा हो जाता है, और मैं उनमें से नहीं हूँ जो ये पाउंड रिवॉल्यूशन छोड़ने के बाद गलत धंधे करके पैसे के ढेर लगा रखे हैं। देखो मैं बिल्कुल नकार नहीं कर रहा हूं, पर मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए, ठीक है? रंजन भैया, किसने कहा आपको पैसा लगाने के लिए? आपको खाली दो काम करना है, प्रोटेक्शन दिलवाना है, निगोशिएशन करवाना है। नहीं नहीं, मैं सब कुछ समझ गया, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ मुझे सोचने के लिए थोड़ा। भैया पैसे का बात भूल जाइए। नहीं नहीं, पैसा का बात ही मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये काम करूँगा या नहीं करूँगा, वो सोचने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, ठीक है? ठीक है ठीक है भैया। अब उसी एक्सपीरियंस के साथ
बहुत दिन पहले उठना बैठना करते थे। जिस दिन तुमने मुझे यहाँ लाया था, याद है तुमने मुझे क्या कहा था? देश के जो गरीब है, समाज के जो गरीब है, उन लोगों के लिए तुम जंग लड़ रहे हो। ठीक तो है? ठीक है। ठीक है। देखो, ये भी तुमने कहा था, दुनिया के जो पॉलिटिशियन है, दुनिया के जो कैपिटलिस्ट है, इनके कंफ्लिक्ट ही दुनिया का प्रॉब्लम का जड़ है। उन लोगों के बीच में, मतलब कैपिटलिस्ट जो शोषण चलाता है पॉलिटिशियन के ऊपर, यही कारण है कि दुनिया के सुख शांति सब खत्म हो रहा है। तुमने कहा था ये आम रेवोल्यूशन के जरिए देश में, समाज में क्रांति लाओगे। सही कहा था। सब बराबर का हो जाएगा, बराबर का भागीदारी होगा, धन संपत्ति बराबर बांटा जाएगा, कोई गरीब नहीं रहेगा और कोई अति धनी धनी नहीं रहेगा। देखो, इतना दिन मैं धोखा में था, अब मुझे असलियत पता चल गया। तुमने जो कुछ भी बोला था वो सच नहीं था, झूठ था। अगर हिम्मत है, चला गोली। चला क्यों नहीं रहे हो? चला गोली, चला गोली। मैंने तय किया था कि आपको मैं अपना बिजनेस में 50% पार्टनर बनाऊंगा, 50% पैसा दूंगा, आई मीन प्रॉफिट रंजय भैया। देखो विक्रम, तुम अगर प्रॉफिट का 100% देने का वादा करते हो तब भी मैं राजी नहीं हूं। ऐप्स और वेब पोर्टल्स ऐसे भी हैं जो आपकी फसल को घर बैठे ही देश भर की मंडियों से जोड़ने का काम करते हैं। ये जो ऐप है, ये किस तरह से किसानों की मदद करता है? इफको ऐप यहाँ पर लॉन्च किया है जो कि किसान भाई बहनों को यहाँ पर मदद करता है, उनको हर तरीके से उनकी खेती बाड़ी में, रोजमर्रा की चीजों में। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स हैं क्या? आप जिस तरीके से म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, यानी कि शेयर में निवेश करते हैं, या फिर आप SIP करते हैं, इन सभी की तरीके से कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड भी आपके लिए अवेलेबल होते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो चलिए जानते हैं क्या है योजना और कैसे उठा सकते हैं आप इसका लाभ। देखिए डिजिटल किसान इस रविवार 23 अप्रैल शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण मंगलवार 25 अप्रैल शाम 4 बजे सिर्फ DD किसान पर।
इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला सोनभद्र के गांव रोरवा के ब्लॉक कोन में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा चल रही है, 2,000 रुपए की राशि आती है जी, आ रही है। हमें जब फसल के बीज की जरूरत पड़ती है या खाद की जरूरत पड़ती है, जो भी आवश्यकता पड़ती है उसको पूरा करने के लिए सहायक है 2,000। मत्स्य पालन में बहुत बड़ी पूंजी की जरूरत नहीं है और पूंजी गवर्नमेंट भी दे रही है, इसलिए हम गरीबों के लिए या किसानों के लिए मत्स्य पालन अति आवश्यक है। कार्यक्रम चौपाल चर्चा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर 24 अप्रैल सोमवार सुबह 9 बजे और पुनः प्रसारण 9:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डिजिक्लेम मोबाइल एप्लीकेशंस, ड्रोन और रिमोट सेंसिंग यानी आधुनिक तकनीक। बदलते समय के अनुरूप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव सरकार ला रही है। कैसे बना रही है फसल बीमा को पारदर्शी। आज के समय में कुल कितनी बीमा कंपनियां हैं जो इसका क्रियान्वयन बेहतर कर पा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नहीं था तो किसानों को क्लेम मिलने में समय लगता था, उनको ये पता नहीं होता था कि कहां पे क्लेम लॉन्च करना है, कब क्लेम मिलेगा। अब वो सभी चीजें बहुत ट्रांसपेरेंट हो गई है। कैसे ला रही है किसानों के लिए आसानी। अगर हम लोग देखना जाए तो क्रॉप इंश्योरेंस सेगमेंट में बहुत ही कम स्टार्टअप जो है वो आ रही है और उसमें इनोवेशन की बात कर रही है। फार्मर्स को कितना क्रॉप इंश्योरेंस मिला, कितना कवर्ड हुआ जी, वो बड़ा मुद्दा है। देखिए कार्यक्रम विचार विमर्श प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 22 अप्रैल शनिवार रात 10 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। दिल आया दिल। फूलों के रंग से दिल की कलम से जिंदगी एक सफर है सुहाना। अभी तो यादों को सर्द बना के गीत लिख रहा हूँ। शहरों में रहने वाले हर बेघर को घर और हर सर पे छत प्रदान कर रही है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। जो भी होमलेस लोग हैं डिफरेंट, अगर उनके पास भूमि है तो वो बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन का फायदा ले सकते हैं, बैंक लोन ले रहे हैं तो इंटरेस्ट सब्सिडी का फायदा उन्होंने लिया है, और वो दोनों ना हो, स्लम में रह रहे हो तो स्लम स्कीम का, नहीं तो और भी होमलेस लोगों के लिए स्टेट गवर्नमेंट घर बना के भी देती है। योजना के बारे में पूरी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम सरकार आपके साथ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 22 अप्रैल शनिवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बदलते भारत की शान।